रोहतक के वासियों, किसको जिताओगे? कितनी बहुमत से जिताओगे? आपने आज मुझे इतना प्रेम दिया कि मुझे शर्मिंदा कर दिया, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके इस प्रेम का मैं कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र जी कभी निरादर नहीं कर सकते। जब मैं राजनीति में आई तो मेरे बच्चे खुश थे, कहा अच्छा है मम्मी, अच्छा काम करोगी। मेरी बेटी ने मुझसे एक चीज कही, कहा कि देखो राजनीति में आ रही हो लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको हिंदी में नकारात्मकता कहते हैं, ये कभी मत करना, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना। तो बच्चों के मन से जो बात निकलती है वो हमेशा सही होती है। और जो पिछले 3 महीनों में जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मैंने इतनी नकारात्मकता देखी है, इतने झूठ, इतने दुष्प्रचार देखे हैं कि सचमुच दिल करता है कि इसको बदल डाले। तो आज आपने इतना लंबा रोड शो कराया कि थका दिया, इसलिए लंबा भाषण नहीं दूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि देखिए जो राजनीति आज आपके सामने है वो गलत राजनीति है, सच्चाई पर आधारित नहीं है, झूठे प्रचार होते हैं। आप टीवी खोलते हैं आपको कुछ दिखता है, आप अखबार खोलते हैं आपको बताया जाता है, भगवान जाने कितना विकास हो गया है इन 5 सालों में जो 60-70 सालों से नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि जहां जहां मैं जाती हूँ मुझे दुख और पीड़ा दिखती है। यहाँ इन दुकानदारों की पीड़ा, जिन पर जीएसटी को बगैर सोचे समझे थोपा गया, आप सब की पीड़ा, जब आपको बताया गया कि बहुत बड़ी देशभक्ति है आपकी, नोटबंदी के लिए आप लाइन में खड़े हो जाइए, आप सबकी पीड़ा, जब नोटबंदी की वजह से 50 लाख नौकरियां गायब हो गई, खत्म हो गई इस देश में, नौजवानों की पीड़ा कि उनको वादे किए गए थे कि 5 साल में हर साल, ये वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार बनेंगे, और नतीजा क्या निकला, 5 सालों में, सुन लीजिए, 5 सालों में 5 करोड़ रोजगार घटे हैं, 5 करोड़ रोजगार घटे हैं, 24 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको भरने का काम किसी ने नहीं किया। जब चुनाव आता है किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान को इतना प्रताड़ित किया है कि 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, हजारों की तादाद में किसान दिल्ली आए, हर प्रदेश से आए, नंगे पैर चल के आए, पैदल आए, प्रधानमंत्री ने 5 मिनट नहीं निकाले उनसे मिलने के लिए। इन 5 सालों में पूरी तरह से किसानों को, नौजवानों को, छोटे व्यापारियों को, सबको नकारा गया, और अब चुनाव आ रहा है तो सब याद आ गए हैं भैया, सब याद आ गए हैं कि कोई हमसे नाराज तो नहीं है, चलिए किसान सम्मान योजना निकाल लेते हैं, चलिए कोई और स्कीम निकाल लेते हैं, कोई और योजना निकाल लेते हैं जिससे जनता गुमराह हो, या फिर योजनाएं नहीं तो शहीदों की बात करते हैं, उनके नाम पर वोट मांगते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ किस तरह के राष्ट्रवादी हैं, किस तरह के राष्ट्रवादी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, किस तरह के राष्ट्रवादी हैं जो नौजवानों को नकारे हुए हैं 5 सालों से,
किस तरह के राष्ट्रवादी हैं जो किसानों से मिलने का 5 मिनट समय नहीं निकाल सकते। ये राष्ट्रवाद नहीं है भाइयों और बहनों, ये राजनीति है। आप जागरूक हैं, इसको पूरी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज ये कहीं पे नहीं रुकने वाले। मेरे पिता जैसे शहीद को भी अपमानित करते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ एक है कि किसी भी तरह से किस तरह से हम सत्ता को अपने लिए रखें। जनता की जरूरतों को पूरी करने की राजनीति नहीं है, आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, बेदर्द राजनीति है। और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर लेंगे, लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे, उन संस्थाओं को नष्ट कर देंगे जो आपको सुरक्षित रखती हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं क्या होती हैं? वह यही होती हैं जो जनता की शक्ति जनता के हाथों में रखती है। आज आप प्रदर्शन करते हैं, आपको पीटा जाता है। आप आवाज उठाते हैं, आपकी आवाज बंद की जाती है। आप अपने अधिकार मांगते हैं, आपकी आवाज बंद की जाती है। आज स्थिति यह है कि यहाँ के रोहतक के सेना में सबसे ज्यादा नौजवान रोहतक के हैं जो सेना में हैं। मैं कानपुर जा रही थी, मैं कानपुर रोड शो के लिए जा रही थी, रास्ते में मैंने एक इश्तेहार देखा, एक बार फिर मोदी सरकार, उसके साथ लिखा था ओआरओपी का उपहार सेना को दिया है सरकार ने। उपहार शब्दों का चयन देखिए, उपहार का मतलब है कि कोई एहसान कर रहा है आप पे। जो हमारी सेना पे खड़ा होता है, जो शहीद होता है हमारे देश के लिए, क्या आप उसको अपना हक देके उस पर कोई उपकार कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं? कि हक है उसका, कि हक है उसका, और कहने के बाद पूरा भी नहीं दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते हैं और झूठे प्रचार करते हैं। ये एहसास कि इन नेताओं को जनता ने बनाया है, बहुत पहले इनसे दूर हो गया है, जनता से नाता टूट चुका है। ये भूल गए हैं कि जितने भी नेता मंच पे खड़े रहते हैं, जनता बनाने वाली होती है। पूरी तरह से भूल गए हैं, अहंकारी बन गए हैं। ये सोचते हैं कि सारी सत्ता उन्हीं की है, लेकिन बहनों और भाइयों, ये लोकतंत्र है, सत्ता आपकी है। आपने दिया है उपहार, आपने किया है एहसान, हम पर भी किया है। आज मेरे बच्चे फूलते फलते हैं, मेरा अच्छा जीवन है, मेरा परिवार मजबूत है, तो आपने बनाया है, ये हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन इसलिए आज जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही की है। आपको इस देश को, लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को मजबूत रखना है, अपनी शक्ति अपने हाथों में रखनी है, तो बदल डालिए ये सरकार, बदल डालिए ये सरकार। ये नकारात्मक और बेदर्द राजनीति इस देश से निकाल दीजिए। इस देश में वो राजनीति स्थापित करिए जिसके नेता आपके सामने आपके मुद्दे उठाए, जिसके नेता आपके सामने आपको ये बताए कि आपके लिए क्या करने वाले हैं, कि आपके लिए क्या योजनाएं हैं, कौन सी घोषणाएं हैं, कौन से कार्यक्रम हैं, ताकि आप मजबूत बने, आपके भविष्य मजबूत बने, आपके बच्चे बच्चों के भविष्य मजबूत बने। आप ऐसी राजनीति का समर्थन करना बंद कर दीजिए जो पूरी तरह से सिर्फ सत्ता के घेराव में है, सत्ता के मोह माया में है और आपको भूल चुकी है। अब समय आ गया है, चुनाव का समय है। दीपेंद्र जी ने आपके लिए काम करके दिखाया, आपके लिए समर्पित रहे, आपके लिए समर्पित रहे, एक सच्ची राजनीति का मिसाल है। आप इनको आगे बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए और एक ऐसी राजनीति इस देश में लाइए जिस पर आप सबको गर्व हो। बहुत हो गया,
देश इस नकारात्मकता से थक गया है, ये देश सवाल उठा रहा है, जवाब मांग रहा है। जो वचन आपने 5 साल पहले किए वो पूरे क्यों नहीं किए? जवाबदेह बनाइए नेताओं को। भाजपा के बड़े से बड़े प्रधानमंत्री से लेकर जो भी यहाँ आएंगे, जवाब मांगिए उनसे, आपके ये काम क्यों नहीं किया? जब अमेरिका जा सकते थे, जब जापान जा सकते थे, जब पाकिस्तान बिरयानी के खाने के लिए जा सकते थे, तो आपके बीच क्यों नहीं आए? तो किसी एक गांव में प्रवेश क्यों नहीं किया? किसी एक गांव में किसी एक गरीब परिवार, किसी एक किसान से परिवार, किसी भी शहीद के परिवार तक क्यों नहीं गए यह पूछने की कि आपके हालात क्या हैं, आप किस मुसीबतों से गुजर रहे हैं? लेकिन इनके पास समय नहीं है। सिखा दीजिए सबक भाइयों और बहनों, समय आ गया है। और आपकी जागरूकता आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। आपकी जागरूकता इस देश को बचाएगी, आपकी जागरूकता इस देश को मजबूत बनाएगी। यही बातें करनी थी। अब जब आप पोलिंग पे जाएंगे तो मेरी बातों को ध्यान से याद रखिए, हल्के में मत लीजिए, ठीक है? आप सब ने इतना इतना प्यार दिया, दोबारा मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप भी थक गए होंगे, मुझे